हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 132। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा, हम लोगों ने टुसो को टीम किया था। एंड लिटरली गाइस, इसको टीम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जिस भी भाई लोग ने ये वीडियोस नहीं देखा तो फटाफट से जाकर आप लोग एपिसोड नंबर 131 देख सकते हो। लिटरली गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आज जो है ना गाइस, हम लोग एक डाइनो टेम करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब हम लोग टुसो टेम करने गए थे तो अपना पेसिलोसोरस मारा गया था। एंड मेरे पास वो सिंगल एक पेसिलोसोरस था, बट मैंने जब टुसो टेम कर रहा था ना, तो मैंने वहाँ पे एक काफ़ी हाई लेवल का पेसिलोसोरस देखा था, जो कि अराउंड 135 लेवल का है। तो मैंने कहा अगर उसको मैं टेम कर लूँ तो यार वो टेम होते ही लगभग 170-180 लेवल को हो जाएगा। तो अपने को वो मिल गया तो और क्या चाहिए। तो फाइनली गाइस, आज जो है ना हम लोग उस पेसिलोसोरस को टेम करने वाले। तो जैसी गाइस यहाँ पे मैं टुसो के ऊपर बैठा, तब तक जो है ना यहाँ पे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैग्नोडोंट्स ने अटैक किया। मैंने कहा यार टुसो तो उसको ईजिली मार देगा, तो चलिए यार अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने बेस में एंड तैयारी करते हैं पेसिलोसोरस को पकड़ने का। तो चलो यार, मैं तो उतर चुका हूँ। एंड जैसे यहाँ पे से मैं जा रहा था, वैसे हम लोग कौन सा डाइनो लेके चले? मेरा प्लान है कि अगर हम लोग मैग्लोडॉन लेके जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अबे मेरा मैग्लोडॉन उधर कहीं को भाग रहा है, लगता है दोबारा से पेसिलोसोरस के ऊपर अटैक हो चुका है। एंड यहाँ पे अपना मैग्लोडॉन भी वहाँ पे फाइट करने के लिए गया। तो ठीक है गाइज, इनको यहाँ पे फाइट करने दो आपस में। भाई क्या ही गजब लग रही है, मतलब फाइट करने में। तो ओके गाइज, वहाँ पे अपने टुसो ने मैग्लोडॉन को मार दिया, तो फटाफट से मैं अपने मैग्लोडॉन के ऊपर बैठता हूँ एंड सीधा निकलते हम घर। तो भाई यहाँ पे हम लोग घर तो पहुँच चुके हैं एंड अभी मेरे को तैयारी करनी है, क्या क्या लेके जाना है। लगभग मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैंक्विलाइजर एरोज, वैसे यार अगर अपने पास टॉक्सिकेंट एरोज होते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। बट टॉक्सिकेंट एरोज बनाने के लिए मेरे पास अभी ऑब्सीडियन नहीं है, एंड ऑब्सीडियन लेने के लिए मेरे को डेफिनेटली अपने वेल्किना वाले बेस में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार इतने दूर कौन जाएगा, ऐसे करते ना आज हम लोग उसको टॉक्सिकेंट एरो से ट्रैंकुलाइजर एरो से अनकॉन्शियस करने का ट्राई करेंगे। एंड ये मेरे पास एंजर जेल है, उसका मेरे को तो अभी ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे पास एरोज़ वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा, अराउंड मेरे पास 44 ट्रैंकुलाइजर एरोज है। एंड इतने में तो यार काम ईजिली बन ही जाएगा। तो चलिए गाइस, वैसे आप लोग अभी अपना मैग्लोडॉन की हेल्थ तो देख सकते हो, लगभग पूरा का पूरा फुल है। तो यार आज जो है ना अपने साथ बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला है। वो स्कैम क्या, वैसे पिछले बारी तो पेसिलोसोरस हमसे पता नहीं जैसे भी टेम हो गया था, बट इस बारी यार इतना इजी नहीं है इसको टेम करना है, क्योंकि यहाँ पे गाइस एक नहीं दो नहीं कम से कम 7-7, 8-8 मैग्लोडॉन्स को मैंने किल किया। एंड यहाँ पे गाइस मैं जैसे ही पहुँचा, भाई 135 लेवल वाला ही पेसिलोसोरस है, हेल्थ इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ये टेम हो गया ना गाइस तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो अभी हम लोग जो है ना, भाई जैसे ही मैं पेसिलोसोरस के सामने गया एंड आप लोग देख सकते हो 3 मैग्लोडॉन 3 इलेक्ट्रोड ईल अपने पीछे आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे मैग्लोडॉन को मारने का ट्राई कर रहा था, बट मैंने देखा भाई तीन इलेक्ट्रोड ईल मेरे पीछे आ रही है। तो भाई ऐसा तो काम बनेगा नहीं, और उनके होते हुए मैं यहाँ पे पेसिलोसोरस को पकड़ भी नहीं सकता। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ये जितने भी यहाँ पे मैग्लोडॉन्स है एंड इलेक्ट्रोड ईल को मारने के अलावा। भाई बट ये अपनी हेल्थ काफ़ी कम कर देंगे, और मेरे पास ऑप्शंस भी कुछ नहीं है, बट हम लोग ट्राई ज़रूर करते हैं। एंड मैग्लोडॉन का मिले डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यार एक चीज़ और पता चली अपने को, अगर अपने पास मैग्लोडॉन है अगर इलेक्ट्रोड ईल करंट भी मारता है तो अपने को करंट नहीं लगेगा। पेसिलोसोरस में गाइस करंट मारता तो यार मैं भी जो है ना पेसिलोसोरस की सीट से नीचे उतरता था, बट मैग्लोडॉन से ये नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। भाई कितने सारे हैं ये, ओके एक मैग्लोडॉन मारा, दो मैग्लोडॉन मारी, अभी ये लास्ट बचा हुआ है जो कि 75 लेवल का है, इसको भी बचाना है। इलेक्ट्रोडील तो सारी मारी जा चुकी है ना, ओके इलेक्ट्रोडील तो सारी मर गई हैं, बस इसको मारना है। बट इन्होंने गाइस मेरी हेल्थ जो है ना लगभग 40% बचाया हुआ है, 60% हेल्थ जो है ना ये सारे के सारे खा गए। अगर मैंने पैशिप में किया तो यार पेसिलोसोरस भी अपने ऊपर अटैक करेगा, तो मुझे जो है ना थोड़ा सा अपना हेल्थ वगैरह रिकवर करना है। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही मैं पहुंचा,
एक 5 लेवल वाला पेसिलोसॉरस था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं था, तो मैंने 5 लेवल वाले पेसिलोसॉरस को मारा यहाँ पे। एंड अरे यार एक और मैगलोडॉन आ गई, साथ के साथ यार 3-4 मैगलोडॉन ने अपने ऊपर अटैक किया। नहीं, हेल्थ गाइस बहुत ज़्यादा कम है, तो मेरे को जो है ना अपना हेल्थ को रिकवर करना ही पड़ेगा। तो भाई कुछ देर बाद मैंने हेल्थ जैसी आधा हुआ एंड पीछे से 2-3 इलेक्ट्रोडील दोबारा से अटैक कर दिया अपने में। भाई भागना पड़ेगा, चलो इसको ऐसे करते ना, एक इलेक्ट्रोडील है उसको तो मैं इजीली मार दूंगा, 95 लेवल का है भाई, 95 लेवल बहुत ज़्यादा है। अब देखो जैसे उसका हेल्थ मरने वाला है ना, तो भागने लगा। रुक जा भाई, तू किधर भाग रहा है, रुक भाई रुक, अरे भैया रुक जा। तो चलो यार यहाँ पे मैंने 95 लेवल वाली इलेक्ट्रोड ईल को तो मारा एंड पीछे से जो है ना अपने पीछे आ रही है मैगलोडॉन, 15 लेवल का है तो इसको मैं इजीली मार दूंगा। भाई किधर भाग रहा है तू? तो ओके, तो लगता है मेरा अब ये एरिया जो है ना पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। एंड अभी गाइस हम लोग जो है ना पेसिलोसॉरस को पकड़ने के लिए चलते हैं। आ रहा है पेसिलोसॉरस अपने ऊपर, तो चलो गाइस अभी जो है ना हम लोग इसको एरोज मारना स्टार्ट करते हैं। भाई कितना टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगने वाला है इसको पकड़ने में। तो ओके गाइस इसका हेल्थ इतना है कि मैं 40 से 45 एरोज तो इसको इजीली मार पाऊंगा, तो फटाफट से मारने का ट्राई करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग पेसिलोसॉरस को टेम करते हो तो आप लोग कुछ इस तरीके से भी टेम कर सकते हो, मतलब आपके पास जो सबसे ज़्यादा हेल्थ वाला डाइनो है उसको यहाँ पे लाओ एंड अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे यार गलत यार मैगलोडॉन ऐसे टाइम पे क्यों आता है। चलो मेरे को मैगलोडॉन को मारना पड़ेगा एंड यहाँ पे गाइस गलत सीन हो गया, मैंने 2 शॉट जो है ना पेसिलोसॉरस को मारा एंड अभी इसका हेल्थ देखो, अरे नहीं भाई मुझे लग रहा है अब डेफिनेटली कुछ गलत सीन होगा मेरे साथ। देखो आप लोग खुद ही देख सकते हो इसका हेल्थ कितना कम है, मैंने 3 शॉट जो है ना पेसिलोसॉरस को मारा, स्कैम हो गया गाइस अपने साथ। एंड अभी इसका हेल्थ इतना है एंड मुझे नहीं लगता इसका टॉर्पर अभी जो है ना 50% भी हुआ होगा, तो मैंने कहा अगर और एरो मारूंगा तो डेफिनेटली ये मर जाएगा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं रुका, मैंने कहा चलो अपना मैगलोडॉन भाई ये भी मरने वाला है तो फटाफट से मेरे को यहाँ पे से भागना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जो है ना अपना पेसिलोसॉरस की हेल्थ देखता हूँ कि इसकी हेल्थ कितनी है। हेल्थ तो लगभग 300 है एंड टॉप 4 लेवल। चलो फटाफट से अपना स्पाई ग्लासेस से देखता हूँ। तो देखो यार अगर मैगलोडॉन शार्क वहाँ पे नहीं आता एंड ईजिली गाइज ये तो अनकॉन्शियस हो जाता, तो मैंने कहा अभी तो हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने डिसाइड करा चलो मैं जो है ना अपने घर जाता हूँ, वहाँ से जो है ना मैं टॉक्सिकेंट एरोस बना के लेके आऊँगा एंड वहाँ पे भी गाइज अपने साथ जो है ना एक काफ़ी गजब का सीन होगा, वो आपको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अभी जो है ना मैं ओनली वेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसका हेल्थ अराउंड 1500 होगा तो हम लोग टॉक्सिकेंट एरोस से इसको ईजिली अनकॉन्शियस करने का ट्राई करेंगे। तो चलो यार उसके बाद मैं फटाफट से अपने घर पहुँचा, बट मेरे पास ऑब्सीडियन नहीं था तो मैं फटाफट से अपने वेल्केनो वाले बेस में आया एंड यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऑब्सीडियन उठाया एंड उसके बाद जो है ना गाइस मैं फटाफट से अपने बेस गया एंड फटाक से जो है ना मैंने टॉक्सिकेंट एरोज वगैरह बनाए। बट यहाँ पे गाइस बहुत बड़ा गलती हो गया था, क्योंकि जब मैं अपने मैगलोडॉन की तरफ गया ना तो मेरा मैगलोडॉन का हेल्थ जो है वो इतना रिकवर ही नहीं हुआ था कि मैं मैगलोडॉन को लेके जाऊँ। फिर मैंने देखा यार मैं कौन सा डाइनो लेके चलूँ एंड फाइनली गाइस हम लोगों ने डिसाइड करा इस बार ही जो है ना हम लोग यूज करने वाले हैं किसको, मोसोसॉरस को नहीं बेसिलोसॉरस को। तो देखते हैं बेसिलोसॉरस के ऊपर कोई अटैक करता है या नहीं करता। वैसे अगर यार हम लोग मोसोसॉरस लेके जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी डायनो अपने ऊपर अटैक करेगा, इवन सार्क भी। यार ट्राई कर सकते हैं अपन लोग, बट ट्राई आज नहीं करूंगा मैं, किसी और दिन देखेंगे। तो चलो यार फटाफट से जो है ना मैं अपने बेसिलोसॉरस को लेके चलता हूँ। ओके इसका 6 लेवल अप मिला है मेरे को, तो सारा का सारा लेवल जो है ना मैं इसका हेल्थ में देने वाला हूँ। लेट्स गो गाइस, इसका हेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगा एंड कोई डायनोस जो है ना इसको ईजिली भी नहीं मार पाएगा।
तो मैं यहाँ पे से जा ही रहा था, तो मैंने को डिसाइड करा थोड़ा सा जो है ना मैं बायोटॉक्सिक्स वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टॉक्सिकेंट एरोज ज़्यादा नहीं है, ओनली 16 है। एंड इतने में तो काम मुझे लगता है इजीली बन ही जाएगा, बट मेरे को यहाँ पे फ्री का बायोटॉक्सिक्स मिल रहा था, तो मैंने डिसाइड करा चलो हम लोग इसको कलेक्ट करके चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं टॉक्सिकेंट एरोज बना रहा था, तब तक पता नहीं गाइस कहाँ से ये जेलीफिश आई एंड ये मेरे ऊपर अटैक कर दिए। मैं बोल रहा था भैया थोड़ा सा मौका तो दो को तो मैंने मारा एंड फाइनली तीसरा भी यहाँ पे मर चुका है, बट इन्होंने यार अपने को क्या ही गजब का झटका दिया। तो फिर मेरे पास थोड़ा सा बायोटॉक्सिक हुआ एंड यहाँ पे तीन एरोज और बन सकते हैं, तो मैंने फटाक से गाइज यहाँ पे तीन एरोज बनाए एंड फाइनली अब जो है ना हम लोग चलते हैं। तो भाई यहाँ पे आते ही मेरे को पैसिलोसोरस तो नहीं दिखा, भाई इधर ही तो था पैसिलोसोरस, किधर गया? ओके गाइज ये रहा। बट जैसे मैंने यहाँ पे इसका हेल्थ चेकआउट करा, इसका हेल्थ तो अभी रिकवर हुआ ही नहीं, लगता है इसका हेल्थ रिकवर होना रुका हुआ था। जैसे गाइस मैं इसके पास में आया तो इसका हेल्थ जो है ना एक एक करके बढ़ने लगा, तो मैंने कहा यार मुझे यहाँ पे एएफके रहना पड़ेगा एंड काफ़ी देर तक जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे एएफके रहे। एनी गैस गाइस कुछ देर बाद यहाँ पे क्या सीन हुआ वो अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जैसे गाइस 10-15 मिनट बाद मैं पैसिलोसोरस को चेकआउट करने गया, बट वहाँ पे जो है ना वो नहीं था एंड आई थिंक यार वो जो है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे एंड आई थिंक वो उस टाइम तक यहाँ पे हो चुका था डी स्पॉन। लिटरली गाइज मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ, मतलब 2 से 3 घंटे लगा के क्या मिला अपने को, बाबा जी का ठुल्लू। यही है गाइज सर्वाइवल गेम, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड जब नहीं मिलता ना लिटरली यार ऑफलाइन जाने का मन करता है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने डिसाइड करा आज हमसे पैसिलोसोरस टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि आज यार काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था, बट अपने पास टॉक्सिकेंट एरो से आज नहीं तो कभी ना कभी तक कैसे नहीं टेम होगा। तो चलिए गाइज मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज तो वो यार डिस्पॉन हो गया, अब मुझे नहीं पता वो किस तरीके से डिस्पॉन हुआ। तो चलिए गाइज मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड हम लोग मिलते हैं आपसे कल वो भी रोब्लॉक्स की वीडियो में। अब से जो है ना गाइज मैंने डिसाइड करा मैं रोब्लॉक्स खेलना स्टार्ट करूंगा, सो बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट, बाय बाय।